जय हिंद दोस्तों। ओके बायोलॉजी बाय बीएसएस हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बायोलॉजी की, और बायोलॉजी शब्द से इसकी शुरुआत करते हैं। बायोलॉजी एक विज्ञान की शाखा है। इसको अपन नेचुरल साइंस की या प्राकृतिक विज्ञान की एक शाखा मानते हैं। इसका अर्थ होता है सजीवों का अध्ययन, अर्थात सजीवों का अध्ययन करने वाली शाखा को बायोलॉजी कहा जाता है। अगर इस बायोलॉजी शब्द की अपन व्याख्या करें तो ये दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है। जैसे एक है इसका बायोस, इसका मतलब होता है लाइफ, या हिंदी में कहें तो जीवन, और दूसरा इसका शब्द है लॉजी, जिसको लोगोस भी कहते हैं, इसका मतलब होता है स्टडी, मतलब अध्ययन करना। तो इस शब्द की व्याख्या ये हुई कि जीवन का अध्ययन या सजीवों का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा को बायोलॉजी कहते हैं। सर्वप्रथम दो साइंटिस्ट हुए थे 1802 में, लेमार्क व ट्रिविरेनस। इन्हें वैज्ञानिकों ने जीवों के अध्ययन हेतु पहली बार बायोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किया था। बायोलॉजी शब्द का पहली बार प्रतिपादन लेमार्क और ट्रिविरेनस ने किया था। ये जो लेमार्क थे ये फ्रांस के वैज्ञानिक थे। इनका पूरा नाम था जीन बेप्टिस्ट डी लेमार्क, इनका पूरा नाम ये था। और जो ये दूसरे वैज्ञानिक थे ट्रिविरेनस, ये जर्मनी के थे, और ये थे, इनका नाम था जी आर ट्रिविरेनस। तो इन दोनों लेमार्क और ट्रिविरेनस ने पहली बार बायोलॉजी शब्द दिया था। एक शब्द की चर्चा कर लेते हैं अपन, फादर्स ऑफ बायोलॉजी। पहली बार जीवों के बारे में या पादपों के बारे में पहली बार जो जिसने बताया था वो थे हमारे अरस्तु। तो अरस्तु को बायोलॉजी का जनक कहते हैं या बायोलॉजी का पिता कहते हैं। अरस्तु को अंग्रेजी में अपन लिखते हैं अरिस्टोटल, इस तरह से इनको लिखा जाता है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं हमारे जो जीव विज्ञान है या बायोलॉजी, उसकी शाखाएं। तो बायोलॉजी की अगर शाखा की बात करें तो इसकी मुख्य रूप से दो शाखाएं हैं, जिसमें पहली है वनस्पति विज्ञान, या इसको वनस्पति शास्त्र भी लिखते हैं, या इसको लिखा जाता है बोटनी, वनस्पति शास्त्र को बोटनी भी लिखा जाता है। इसके अलावा इसको फाइटोलॉजी भी कहते हैं। इसके अलावा इसको प्लांट साइंस भी कहते हैं। प्लांट साइंस का मतलब हो गया पादपों का विज्ञान, या इसको प्लांट बायोलॉजी भी कहते हैं। अगर वनस्पति शास्त्र का मतलब हो गया पौधों का अध्ययन करना, या पौधों का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा को वनस्पति शास्त्र या वनस्पति विज्ञान कहते हैं। अगर इसके शब्द की व्याख्या करें अपन, जैसे ये बोटनी शब्द है, तो बोटनी शब्द है वो एक ग्रीक शब्द है। बोटनी शब्द एक ग्रीक शब्द है जिसका नाम है बोसकिन। इस बोसकिन का एक व्युत्पन्न है रूप, जिसको हम कहते हैं बोटेनी, और इस बोटनी का मतलब होता है प्लांट्स या पादप। तो ये ग्रीक वर्ड है बोसकिन, बोसकिन का एक रूप है बोटनी, बोटनी का मतलब होता है हमारे प्लांट। और ये जो बोसकिन है, इसका वैसे ग्रीक भाषा में इसका शब्द निकाला जाता है चरने से, यानी चरना मतलब ग्रेजिंग। तो पौधे जैसे प्लांट को खाते हैं या चढ़ते हैं, तो उस हिसाब से इसका
नाम ग्रेजिंग या बोस्किन इसको कहा जाता है। ये तो इस बोटनी की बात हो गई। इस तरह से ये फाइटोलॉजी है, फाइटोलॉजी, ये फाइटोलॉजी शब्द भी दो से बना हुआ है, दो शब्दों से, जैसे फाइटो, फाइटो का मतलब हो गया प्लांट, और लॉजी या लोगोस का मतलब हो गया स्टडी, लोगोस का मतलब हो गया स्टडी। इसी तरीके से अगर अपन प्लांट साइंस की बात करें तो ये पादपों की विज्ञान हो गई, प्लांट बायोलॉजी मतलब सजीवों में जो प्लांट है उसका अध्ययन करने वाली शाखा प्लांट बायोलॉजी हो गई। ये तो इनकी शब्द की व्याख्या थी। फादर्स ऑफ बोटनी की बात कर लेते हैं, जिन्होंने सबसे पहले पादपों का बारे में जानकारी दी या पादपों के बारे में अध्ययन किया तो वो थे फादर्स ऑफ बोटनी थियोफ्रेट्स। ये बहुत बड़े एक दार्शनिक हुए हैं, अरस्तु के शिष्य थे, ये अरस्तु के शिष्य थे थियोफ्रेट्स, इसको अंग्रेजी में लिखते हैं थियोफ्रेट्स कहते हैं। इनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक इनकी किताब थी बुक हिस्टोरिया प्लांटेरम। देखो इसको हम कह सकते हैं हिस्टोरिया प्लांटेरम या हिस्ट्री ऑफ प्लांट। इनमें उन्होंने लगभग 500 प्लांट का वर्णन किया था, 500 पादपों का इन्होंने वर्णन किया था इस हिस्टोरिया प्लांटेरम बुक में। इसे हम बोटनी की यानी वनस्पति शास्त्र का सबसे प्राचीन साहित्य भी कहते हैं, सबसे प्राचीन साहित्य भी इसको कहा जाता है। इस बुक को जो हिस्टोरिया प्लांटेरम है इसको इसका एक नाम और दिया गया है इंक्वायरी इनटू प्लांट। इंक्वायरी यानी पूछताछ, पौधों में पूछताछ, हिंदी में कहें इसको पौधों में पूछताछ या हिस्टोरिया प्लांटेरम थियोफ्रेट्स की एक बहुत बड़ी पुस्तक थी और बहुत पुरानी हमारे वनस्पति शास्त्र की एक किताब है, जिसके बारे में इन्होंने सबसे पहले पादपों का वर्णन किया था। इस कारण इनको हम फादर्स ऑफ बोटनी कहते हैं। इनकी एक महत्वपूर्ण किताब और थी, उनकी एक अन्य किताब और थी, अन्य किताब वो इनकी थी, इनकी एक किताब थी ऑन द कोजेज ऑफ प्लांट्स, मतलब ऑन द कोजेज ऑफ प्लांट्स यानी पादपों के कारणों पर इसका हिंदी में नाम था ऑन द कोजेज प्लांट, इनकी अन्य महत्वपूर्ण किताब थी। भारत में भी बहुत सारे वैज्ञानिक थे, लेकिन भारत के जो प्लांट थे उनके ऊपर मुख्यतः एक स्कॉटलैंड के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए थे विलियम रॉक्सबर्ग। उन विलियम रॉक्सबर्ग ने सबसे पहले भारत के पादपों पर अध्ययन किया था। इस कारण विलियम रॉक्सबर्ग को क्या कहते हैं, फादर्स ऑफ इंडियन बोटनी भी कहते हैं। भारतीय वनस्पति शास्त्र के जनक या पिताजी विलियम रॉक्सबर्ग थे। नेक्स्ट चलते हैं अपन, ये तो हो गई आपकी बोटनी, तो नेक्स्ट ले लेते हैं अपन जंतु विज्ञान जिसको कहते हैं जूलॉजी। ये इसमें होता है जंतुओं का अध्ययन। हम किस विज्ञान की शाखा में करते हैं, जूलॉजी या जंतु विज्ञान, या इसको जंतु शास्त्र भी
कहते हैं, जंतुशास्त्र कहते हैं। ये भी एक ग्रीक शब्द है, दो ग्रीक शब्द है इसमें, जैसे जुओन या इसको कहें जून, तो इसका मतलब होता है एनिमल। एनिमल का मतलब हो गया प्राणी, तो प्राणी। और लॉजी या लोगोस का मतलब हो गया अध्ययन या नॉलेज, तो प्राणियों का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा जूलॉजी कहलाती है। जूलॉजी के बारे में यानी जंतुओं के बारे में सबसे पहले बताने वाले वैज्ञानिक अरस्तु थे, इस कारण अरस्तु को फादर्स ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं। अरस्तु को फादर्स ऑफ जूलॉजी कहते हैं, अरस्तु को फादर जूलॉजी भी कहते हैं, और फादर्स इनको फादर्स ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है, फादर्स ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं, क्योंकि बायोलॉजी में चाहे जितने भी चीज़ें हैं, पहली बार अरस्तु ने ही इनको बारे में बताया था। तो अरस्तु बायोलॉजी के भी जनक है, तो जूलॉजी के भी जनक है। अरस्तु की अरस्तु के शिष्य थे थियोप्रेट्स, यानी थियोप्रेट्स के गुरु थे अरस्तु। तो इनकी भी कुछ महत्वपूर्ण और बहुत ही उपयोगी कुछ पुस्तकें इन्होंने लिखी थी, जिसका नाम, एक सबसे इम्पोर्टेंट इनकी जो बुक है वो है स्टोरिया एनिमेलियम, या इसको हम कहें हिस्ट्री ऑफ एनिमल, हिस्ट्री ऑफ एनिमल। इसका एक नाम और है, इसको इंक्वायरी इंक्वायरी इनटू एनिमल, इंक्वायरी इनटू एनिमल भी कहते हैं। ये इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक थी। आपने चीज़ नोट किया होगा, थियोप्रेट्स की पुस्तक भी स्टोरी से चालू थी, और इनकी भी स्टोरिया हिस्ट्री से चालू, शब्द से चालू है। तो इनके गुरु और शिष्य थे, तो उन्होंने एक समान शब्द का प्रयोग किया है। इनकी एक अन्य पुस्तक थी जनरेशन, जनरेशन ऑफ एनिमल, जनरेशन ऑफ एनिमल। इनकी एक किताब और थी मूमेंट, मूमेंट ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स में गतियाँ। जनरेशन ऑफ एनिमल्स का मतलब पीढ़ियाँ, और मूमेंट्स ऑफ एनिमल का मतलब होगी एनिमल्स में गतियाँ। इनकी एक किताब और थी पार्ट्स ऑफ एनिमल, पार्ट्स ऑफ एनिमल यानी एनिमल्स के भाग या पार्ट। और एक इनकी एक महत्वपूर्ण किताब थी ऑन द सोइल, ऑन द सोइल यानी आत्मा पर, आत्मा पर। तो ये भी इनकी एक महत्वपूर्ण किताब थी। तो ये सारी है वो हमारी अरस्तु की किताबें थी। तो आज के लिए ये अपना बायोलॉजी का एक छोटा सा परिचय है, हालांकि बायोलॉजी की बहुत सारी शाखाएं हैं, तो उनको हम एक अलग वीडियो के अंदर लेंगे, उनको सभी शाखाओं को अलग रूप से पढ़ेंगे। तो ये एक बायोलॉजी का बेसिक परिचय है। इसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बायोलॉजी की सबसे जो आधारभूत संरचना है सेल के बारे में, उस सेल के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर जानते हैं। धन्यवाद।